भाई से, इसके भाई से जरा प्यार से पेश आओ, नहीं तो क्या करेगा पता है ना। सबसे बड़ा दुनिया का मालिक खाली इलबिस ही बचाया, वो तो बिग बॉस में जाने लायक नहीं थी भाई। ये डिसाइड करने वाला तू कौन होता है? तू जाने लायक था, तू भी तो कहीं गाँव। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑन व्लॉग स्पेशल। बज रहे भाई साहब सुबह के, सॉरी शाम के भाई, 6 बज रहे हैं। और भाई आज सुबह सुबह व्लॉग शुरू नहीं किया क्योंकि पापा ऑफिस चले गए थे और भाई आज थोड़ा लेट उठे। और भाई और सुनो गाइस, देखो ये देखो ये मेरा माइक, इसमें मैं गाइस गाता हूँ गाना ऊंचे नीचे है डगे। मम्मी की बात सुनो, मम्मी क्या कह रही हो? तो गाइस मम्मी जब छोटी बच्ची थी ना, तो मम्मी ने किसी बच्चे के मुंह में मिट्टी, बच्ची नहीं थी मैं, बड़ी थी। तो गाइस मम्मी जब बड़ी बच्ची थी ना, बड़ी बच्ची ही थी क्योंकि बड़े नहीं, बड़े लोग भी गांव में ऐसे ऐसे कर्म कर सकते हैं गाइस। कर्म मतलब कर्म नहीं था, कांड था। हाँ कांड। गाइस मम्मी जब बड़ी बच्ची हो गई थी, तो मम्मी ने एक बच्चे के मुंह में जो है ना गाइस क्या मिट्टी डाल दी थी खेत में। गाइस उसकी मम्मी आलू निकाल रही थी, ठीक है, खेत से। और मम्मी तो भाई वेली थी, एक लात मारूंगी, हमारे खेत में ही आलू खुदाई चल रही थी। गाइस हमारे खेत में आलू की खुदाई चल रही थी, वहां बैठी थी मम्मी, तो बेटा रो रहा था, ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, छोटा सा बच्चा था उसके मुंह में मिट्टी डाल दी। छोटा सा नहीं था, फिर ना छोटा भी नहीं था, देखो जितने बड़ा था, 9-10 साल थोड़ा छोटा था, नहीं 7-8 साल। देख लो मैं ऐसे ऐसे काम करती थी गाइस। क्या आपने उसके क्या सोच के आपने उसके मुंह में मिट्टी डाल दी? आज इतना बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के रो रहा था। हाँ, और मेरे को दिखावटी जो अगर कोई बच्चा जिद करे, हाँ, या कोई बड़ा छोटा कोई भी अगर दिखावटी कोई कुछ काम करता है ना, हाँ हाँ, तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो आपने क्या किया फिर? वही नीचे पड़ा ऐसे ऐसे है ना, आज मुंह फाड़ फाड़ के रो रहा था। मैंने आलू खुदाई हो रही थी, मिट्टी मिट्टी कमी नहीं थी, मैंने मिट्टी उठाया, मैंने उसके ऐसे मुंह में नहीं डाला, ऐसे साइडों में डाला कि अपना खा ले टेस्ट पाए थोड़ा सा, कि अपना खा ले टेस्ट पाए थोड़ा सा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। फिर जल्दी सुन के खड़ा हो जाए, मिट्टी निकालनी थी मुझे, मैंने बोला रो बेटा लेट के। वाह कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तेजस्वी लोग तो हैं ही गाइस, पूछो क्यों? क्यों भाई, मैं देख रही हूँ इलबिस यादव अभी एकदम ट्रेंड है बंदा भाई। अभी जब जोगिंदर ने थोड़ा सा समझाया उसको अपने लैंग्वेज में, थारा भाई जोगिंदर, भाई थारा भाई जोगिंदर चाहे कितना भी थुक थुक के बोले, लेकिन बंदा कहीं कहीं तो भाई पॉइंट की बात बोलता है। मैं आप लोगों को एकदम सच बता रही हूँ, अभी इस जगह इतना सही बोल रहा है, पूरे 36 बिरादरी इलबिस को जिताने के लिए सबने मतलब पूरा एड़ी चोटी का जोल लगा दिया। लेकिन भाई ऐसा तो कतई सोचा नहीं जा सकता था, बंदा ऐसे बात कर रहा है, ऐसे रबिश इंसान। वहाँ पहले तो जो है टारगेट बनाया शिवानी कुमारी को, अब जब सब लोग ट्रोल करने लगे मीडिया सोशल मीडिया पे आके, और बड़े बड़े यूट्यूबर उतर आए, कह रहा भाई मैंने मतलब बाहर से, भाई तू अपने बंदे को धमकी दे, पता नहीं अपने आप को डीएम एसपी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने आप को भाई पता नहीं क्या समझ रहा है। अरे जनता का सपोर्ट है भाई सोशल मीडिया पे आला, अगर कोई एक्टिव है तो जनता का सपोर्ट है। जनता पता नहीं सपोर्ट इतना कर क्यों रही है भाई, इतना सपोर्ट करके इतने ऊपर तक ऊपर ऊंचे लेवल तक ले गए हो, तो आप लोग भी कुछ कमेंट करो, कुछ समझाओ कि किसी बंदी लड़की के लिए ऐसा बोलना ठीक है क्या कि उसकी आवाज कानों में चुभती है? मैं तो बड़ा इरिटेट होता हूँ, वो तो बिग बॉस में जाने लायक नहीं थी भाई। ये डिसाइड करने वाला तू कौन होता है? तू जाने लायक था, तू भी तो कहीं गाँव से ही उठ के आया है, तू कहीं लंदन में थोड़ी ना पैदा हुआ था, पला बड़ा लंदन में हुआ है, कोई विदेशी है तू? अभी देखो अभी क्या बोल रहा है, अभी देखो सीधा करो। हम तो बाहर से तो क्या ही कर सकते हैं, अंदर जो गेम चल रहा है अंदर की तो चीजें ना बाहर ला सकते ना, बाहरी चीजें अंदर दे सकते, पर इतना बता सकते हैं कि बिग बॉस के बाहर भी जिंदगी है भाई, सही चल रहा भाई। भाई से इसके भाई से जरा प्यार से पेश आओ, नहीं तो क्या करेगा पता है ना। सबसे बड़ा दुनिया का मालिक खाली इलबिस ही बचा है अब, और कोई अब है नहीं, अब जो कुछ है इलबिस है, इलबिस के हिसाब से पूरा प्रशासन चलेगा, इलबिस के हिसाब से पूरी दुनिया चलेगी। भाई आप लोग इतने ये सब वीडियो देख रहे हो तो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? फिलहाल बच चुके भाई, रात के 12 बजने वाले हैं और कल मेरा स्कूल है और मुझे जाना है, और तब जाके मैं यहाँ पे इतने बिंदास तरीके से आपसे बातें कर रहा हूँ। क्या बात है गाइस, देखो अपना जलवा है भाई। और भाई यहाँ पे मम्मी तो यहाँ पे लेटी हुई है, फोन चला रही है, बेबो तो अपने पैर में वैक्सीन लगा रही है, और कल बेबो का स्कूल है तो बेबो बहुत ज्यादा टेंशन में हो गई है गाइस। बेबो को अपनी एक मैम है जो कि स्कूल में, हर एक स्कूल में एक मैम होती है जो बच्चों को नहीं पसंद होती, पर जूनियर क्लास में जूनियर विंग में बेबो को एक मैम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वही बेबो बोलेगा। अभी इस व्लॉग को खत्म करते हैं गाइस क्योंकि कल स्कूल जाना है, और गाइस अगर किस्मत में हुआ, भगवान ने लिखा हुआ,
तो कल क्या पता छुट्टी हो जाए भाई, बारिश हो जाए गाइस देखते क्या होता है। वैसे तो भाई बारिश की एक दिन तो छुट्टी मिल ही जाएगी, क्या पता गाइस वो भी ना मिले। तो भाई बिना कुछ सोचे समझे इस वक्त खत्म करते हैं गाइस, कल के बाद मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कल के बाद मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।